हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आई होप ऑल आर डूइंग वेल टुगेदर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से रह रहे होंगे। गर्मियों में अपने स्किन का, अपनी सेहत का बेहतरीन तरीके से ध्यान रखते होंगे, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ। और मेरा यकीन मानिए, ये बोलने का पर्पस बिल्कुल भी ये होता है कि आप सच में अपनी स्किन का और अपनी हेल्थ का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो लेकर आती रहती हूँ जो आपकी स्किन के लिए या आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए मेरा आज का भी जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है। बाय टाइटल तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारा वीडियो आज का किस टॉपिक पर होने वाला है। तो एलोवेरा के गुणों से तो हर कोई वाकिफ है। एलोवेरा एक सिंपल एलोवेरा हजार रोगों की दवा है। आप सभी जानते हैं कि एलोवेरा के सेवन से कितनी सारी चीजों से हमें बीमारियों से निजात तो मिलती ही मिलती है। स्किन के लिए तो एकदम से रामबाण है ये। तो गाइस, मैं आज जो आपके लिए शेयर करने वाली हूँ वो एलोवेरा की एक ऐसा जूस है एलोवेरा का, जिससे आपको बहुत सारी बीमारियों से रिलीफ मिलेगा। गर्मियों में अगर आपको पेट में दर्द है या डायबिटीज के पेशेंट है तो उसमें भी एलोवेरा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। इसके जो भी बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से यूज करना चाहिए, वो आपको पूरी वीडियो में लास्ट तक में आपको पता चल जाएगा। सो जैसा कि आप जानते हैं कि एलोवेरा का सेवन हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। ना सिर्फ सेवन बल्कि स्किन के लिए भी यह बहुत ही अच्छा है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरे हाथ में एलोवेरा है, हमें इसका यूज किस तरीके से करना चाहिए। वैसे तो एलोवेरा का हर कोई यूज करता है, बट पता नहीं होता है कि इसको सही तरीके से कैसे यूज करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसको यूज करने का सही तरीका क्या होता है। अब आप मेरी आगे की वीडियो में देखेंगे, मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको दिखाऊंगी कि हमें इसका प्रॉपर यूज कैसे करना चाहिए। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अच्छे से क्लीन किया है, उसके साइड के पोर्शन सारे काट देने हैं और फिर आपको उसका सिर्फ पल्प निकाल के और आप उसको जूस बना के चाहें तो आप कंटेनर में भी रख सकते हैं और इसको हम रख के और फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब 1 वीक तक हम इसका यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप जैसे बात हो रही है कि हमें एलोवेरा का सेवन किस तरीके से करना चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एलोवेरा बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, डायरेक्टली इसको खाना थोड़ा सा हेडेक वाला काम होता है। तो आप उसके साथ चाहें तो मिश्री का यूज़ कर सकते हैं या गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। और मिश्री आपने वो छोटे छोटे दानों वाली नहीं लेनी, वो जो धागे वाली मिश्री आती है ना, उसको लेना होता है और आप फिर उसके साथ एलोवेरा को खा सकते हैं। आप उसका पल्प निकाल कर 1 चम्मच नियमित सुबह खाली पेट, या तो अगर आप जूस बना लेते हैं तो आधी कप जूस आपको सुबह खाली पेट खाना है। फिर अगर आपको शुगर है या आपका मोटापा बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद दवा है। और अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से, वर्षों से चली आ रही कब्ज की परेशानी भी आप एलोवेरा के नियमित सेवन से दूर कर सकते हैं। और आपको जो भी परेशानियां हैं, जैसे कि अगर आपको पेट में दर्द है, तो आप सिर्फ 1 चम्मच एलोवेरा खाइए और उसके बाद आप सुबह शाम 2 दिन आप इसका सेवन कीजिए, आपको खुद ही बहुत दर्द से आराम मिल जाएगा और उसके बाद आपकी जो कब्ज की परेशानी होगी
वो भी दूर हो जाएगी। सो आपने देख लिया एलोवेरा कितना कमाल का है, इसीलिए हमें एलोवेरा को मतलब नेचुरल एलोवेरा का यूज ज्यादा करना चाहिए। वैसे तो बाजार में भी आपने देखा होगा पतंजलि का पीने वाला एलोवेरा आता है, आप उसका भी यूज कर सकती हैं, शुगर के लिए वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। बट जो होम मेड होता है उसकी तो आप लोग सभी जानते हैं कि कोई बात ही नहीं है। तो गाइस आप लोग ध्यान रखें कि एलोवेरा को हमें अच्छे से डायरेक्टली आप जब तोड़ के लाते हैं ना तो उसको डायरेक्टली हमें नहीं खाना है, मतलब एकदम से लेकर आए तोड़ के पेड़ से काट के लेकर आए और फिर आपने डायरेक्टली उसका सेवन कर लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसको अच्छे से वॉश करना है, देन आप उसके कांटे निकालिए और वो जो पानी वानी से निकलता है ना उसको आपको वॉश कर देना है, उसके बाद आप इसका सेवन करें। और आप नियमित सेवन से आप एक महीने में आपका खुद ही अगर वेट बढ़ रहा है तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आप वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर में आप रिलीफ पा सकते हैं। और अगर आप नियमित इसका सेवन करते हैं ना तो आपको ज़िंदगी में शुगर हो ही नहीं सकता, और अगर है तो वो कंट्रोल में रहेगा, और अगर नहीं है तो कभी भी नहीं होगा। तो गाइज मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस जो मैंने ये एलोवेरा का यूज बताया है आप इसका सेवन नियमित तरीके से करेंगे, और अगर आपको ये इसमें से थोड़ी सी भी 1% भी कोई बेनिफिट मिले तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि मैं जो भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। सो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और यहीं पर ख़त्म करेंगे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।